प्रेम से बोले सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी। परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सतपुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाए। पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। कोका पैर नहीं थी बस प्रभु सोई। अरे वो जो क्षीर सागर में सोया है ना, क्षीर सागर में जो लेटा है ना, वही है वही। कुछ लोगों को भी नहीं जचा, सबके हृदय में रहता है वो है जाके हृदय। जस प्रीति प्रभु तो प्रकट हो ही ते ही रीति। कुछ लोगों को ऐसा लगा भाई सबके हृदय में रहता है, वो सबके हृदय में है, और जैसी हमारी प्रीति होगी वैसा उसका प्राकट्य होगा। इस बात वाले भी लोग थे, सब अपना अलग अलग जब बोल लिए तो अध्यक्षीय भाषण शंकर जी का उन्हीं की अध्यक्षता में हो रहा था। अध्यक्षीय भाषण महादेव जी का अभी अवतार तो था नहीं कि परमात्मा वाली बात हो, अवतार तो था नहीं कि परमात्मा वाली बात हो, अवतार के अनुपस्थिति में सचमुच में आत्मा ही सर्वे सर्वा दिखाई देने लगती है भी परमात्मा की अनुपस्थिति में तो आत्मा एक महान शक्ति है ही है, लेकिन अवतार की अनुपस्थिति में परमात्मा की अनुपस्थिति में परमात्मा के सामने तो नासीज एक ज्योत कण है, उसका अंश है। परमात्मा के सामने तो एक मामूली सा उसका अंश है। परमात्मा की अनुपस्थिति में यह एक महान चीज है, महान सत्ता शक्ति है। तो अब अवतार तो था नहीं, शंकर बाबा भी आत्मे वाला थे, अध्यात्म ही वाला थे, अब दिया अपना लेक्चर आत्मा वाला। हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना, आप प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हर व्यापक सर्वत्र समाना, आप प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। अब जब अध्यक्ष महोदय बोल लिए तो अब इसके बाद कौन बोलेगा। अब ब्रह्मा जी जो दूसरे नंबर के थे, साधु 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 साधु, हाँ भाई सही है सही है, और यही है सही है, लेकिन व्यवहार में सही नहीं है। मान तो लिया गया सही, अध्यक्ष महोदय थे उनकी बात मान तो ली गई, लेकिन व्यवहार में सही नहीं रहा। कैसे? अब सब लोग मिलकर के प्रार्थना कर रहे, व्यापक वाला नहीं, प्रार्थना कर रहे हैं, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। बहुत बड़ा प्रार्थना है, हमको तो कुछ याद भी नहीं होता है। काम भर का एक आध लाइन आता है, हाँ उसी से गाड़ी डगराते रहते हैं, क्योंकि ज्ञान के सिवाय तो हम कुछ जानते नहीं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। जब सब लोग मिल करके प्रार्थना कर रहे हैं, क्या शंकर जी सुहंग वाले नहीं थे? अरे सुहंग तो पतन वाला है, शंकर जी उत्थान हंस वाले थे।
ईश्वर रैंक के थे, शिव शक्ति थे, शिव शक्ति रैंक के थे, उनको प्रार्थना करनी पड़ रही है परमेश्वर की। आज पतन उन्मुख वाले सोहंग वाले भगवान जी बन बैठे हैं, जो पतन विनाश को जाने वाली सहज स्थिति है श्वास निश्वास के माध्यम से, आज ये भगवान बन करके बैठे हैं। क्या अजीब स्थिति है, क्या सच्चाई, अपने ज्ञान की सच्चाई को जानकस नहीं लेना चाहिए। सच्चाई तो एक ऐसी चीज है कि हर किसी को स्वीकार करना चाहिए, हर किसी प्रकार के दुर्भाव को समाप्त करके, बुराई विकृति को समाप्त करके, सच्चाई को तो हर किसी को स्वीकार करने का प्रयास होना चाहिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो जब जय जय सुर नायक जन सुखदायक पूरा प्रार्थना इन लोगों का पूरा हो रहा है, तो सोचिए कि जब सब जगह है, सब में है, तो यह आकाशवाणी किसकी हो रही है। जन डरपो मुनि सिद्ध सुरेशा, जन डरपो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हारी लागी धरी हूं नरवेशा। वो कौन है जो शंकर जी को, इंद्र को, ब्रह्मा जी को, नारद को, श्रेष्ठ ऋषियों को कह रहा है डरो नहीं, डरो नहीं, अब तुम लोग मत डरो, तेरे लिए मैं नर रूप धारण करके आ रहा हूं नर रूप। जब सब में है, कणकण में है, आज सबके हृदय में है, तो यह आकाशवाणी किसकी आ रही है। सृष्टि के संहारक जिसमें बैठे, जिसमें प्रार्थना में खड़े हैं, शंकर जी सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मा जी खड़े हैं, सृष्टि के महानिरीक्षक डीजीपी ब्रह्मांड के नारद बाबा बैठे हैं, भरण पोषण करने वाली पृथ्वी है, विधायिका के हेड ब्रह्मा जी हैं, न्यायपालिका के हेड शंकर जी इसमें पड़े हुए हैं, यानी असिस्ट कार्यपालिका के असिस्टेंट हेड इंद्र जी उसमें पड़े हुए हैं, ये सब लोग प्रार्थना करने वाले हैं। इनको वो कौन है जो इनको निर्भय बना रहा है कि जन डरपो मुनि सिद्ध सुरेशा, यानी अपने 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 लोक के लोकपालों मालिको सुरेश देवा देवताओं के ईश, आप लोग डरो नहीं, तुम्हारे ही लागी धरी हूं नरवेशा। जो शंकर जी ये सिद्धांत दिए थे कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, उस शंकर जी की परिभाषा बदल गई जब रामा अवतार हो गया। तो जो शंकर जी हर व्यापक सर्वत्र समाना का जो फार्मूला दिए थे, रामा अवतार जब हो गया तो फार्मूला उलट गया। जय सच्चिदानंद जग पावन, एक राम के तरफ वो संकेत चला गया कि जय सच्चिदानंद जग पावन। अब वो सच्चिदानंद राम हो गए, राम व्यापक वाला परिभाषा समाप्त। पार्वती को जब उपदेश देने लगे तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, राम नाम बराने में कहां चला गया हर व्यापक सर्वत्र समाना। ये आत्मा पर और आत्मा की शक्ति पर लागू होता है, न कि परमात्मा पर, न कि खुदागाढ़ भगवान पर। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। जब कण कण में है ये है, जब सब में है ये है, व्यापक है ये है, तो जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा कहीं विविध शरीरा, हर ही दयानिधि सज्जन पीड़ा। ये जब जब और तब तब अवतार की बात कहां से आ गई, क्या ये गलत है, ये झूठा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य
तदात्मानम सृजाम्यहम्। जदा जदा और तदा, जदा जदा और तदा, जब जब और तब। परित्राय साधुनाम बिना साहित्य दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे। जब सब जगह है ये है, सब में है ये है, कण कण में है ये है, सब में ये जुग जुग में अवतार किसका होता है? इसका मतलब कि अवतार प्रकरण गलत हो गया। यदि अवतार को निकाल दीजिए तो सनातन धर्म बचता क्या है? अवतार को निकाल दीजिए तो सनातन धर्म बचता क्या है? कुछ नहीं बच जाएगा। परमेश्वर को धर्म में से निकाल दीजिए तो धर्म रह क्या जाएगा? धर्म में बचेगा ही क्या? कुछ नहीं। धर्म में बचेगा ही, धर्म है क्या? एक परमेश्वर का विधान ही तो है, परम सत्य का विधान ही तो है। धर्म अलग हटकर है क्या? बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। अब फिर हम लोग आवे कि त्रेता विविध यज्ञ नर करही। जब चारों तरफ यज्ञ यज्ञ विष्णु विष्णु यज्ञ होने लगा तो भगवान ने सोचा कि रे तो असुरों का अत्याचार भी बढ़ गया है, आज सब लोगों का पुकार भी बढ़ गया है यज्ञ 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 यज्ञ, आ इधर देवता लोग पुकार भी कर रहे हैं, तो चलो एक ही साथ है, एक ही साथ है, सब सधे सब साथ है, सब जाए, अब सब एक ही साथ साथ दिया जाए। राम रूप में अवतार हो गया। विश्वामित्र जी को आभास हो रहा है कि परम प्रभु आ चुका है धरती का भार हरण करने के लिए दशरथ जी के यहां। सोच रहे हैं कि चलूं लाऊ यज्ञ की रक्षा भी हो जाएगी, ऐसी बहाने दर्शन भी हो जाएगा। क्या विश्वामित्र तपस्वी नहीं थे क्या? उनके अंदर सुहंग नहीं था क्या? वो मंत्र तंत्र वाले नहीं थे क्या? जा रहे हैं राम जी को ला रहे हैं, जा रहे हैं राम जी को ला रहे हैं लक्ष्मण जी के साथ। अब सोचिए आप लोग, भगवान जी के अवतार जो है वो बन गए दरवान, भगवान जी के अवतार जो है, भगवान जी जो है उनको बना दिया गया दरवान। यज्ञ किसका हो रहा है? यज्ञ किसका हो रहा है? अरे विष्णु जी का। अरे विष्णु विष्णु, अरे वो कौन है जो दरवान है? विष्णु ही वाला तो है ये, कौन है जो दरवान बनाया गया? राम वही विष्णु वाला ही तो है। सबकी आंख पर पट्टी पड़ जाती है जब भगवान के लीला चक्कर में पड़ता है तो। भगवान जी को बना दिया गया दरवान यज्ञ का रक्षा करने के लिए, आ इधर होने लगा यज्ञ। पूछा जाए विश्वामित्र जी से कि यज्ञ किसको पाने के लिए हो रहा है? जिनको पाना था वो तो दरवान बने हुए हैं। त्रेता में यज्ञ की ऐसी महत्ता थी कि भगवान भी पहचानने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उनको को भी जानने पहचानने की जरूरत नहीं पड़ रही है। चारों तरफ युद्ध है, चारों तरफ मारकाट से गुजरना पड़ा। क्या क्या हुआ पैस अधिकतर लोगों को मालूम है, रामायण रामलीला। त्रेता में विष्णु विष्णु, जब विष्णु जी थे तो विष्णु विष्णु याद नहीं आए, जानने समझने की आवश्यकता नहीं पड़ी, चले गए तब विष्णु विष्णु यज्ञ हो रहा है। राम जी साक्षात खड़े हैं दरवान बन करके, आप विष्णु विष्णु यज्ञ हो रहा है, राम रूप में अपना काम पूरा करके चले गए। राम रूप से के माध्यम से भगवान अपना काम करके चले गए अपने परम धाम को। तो द्वापर करी रघुपति पद पूजा,
जब रघुपति थे तब पूजा नहीं हुआ पद पूजा, जब रघुपति थे तब पद पूजा नहीं हुआ, द्वापर करी रघुपति पद पूजा। गौर की द्वापर में त्रेता में जब थे तब पूजा नहीं हुआ, अंदर भौत रही उपायन दूजा। अरे भैया रघुपति चरण पूजा करो, रघुपति चरण पूजा करो, इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है तरने का। जब विष्णु जी थे तो मैं जानने का कोशिश नहीं, चले गए तो विष्णु 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 त्रेता में यज्ञ होने लगा। आज जब फिर आए राम जी रूप में तो दरवान रहिए दरवान, यज्ञ करने दीजिए, यज्ञ का भाड़ा दीजिए, पहरेदार बना दिया गया। जब राम जी जब तक रहे किए कराए, सेवरी जानी, हनुमान जी जाने, लक्ष्मण जी जाने, तारा को दिए, शेष सब ताकते ही ताकते रहे, आए और चले गए। अरे अपने ये भी नहीं कि जनाना ना चाहे हो, ऐसा भी नहीं कि जनाना ना चाहे हो, पूरी प्रजा को एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पूर्ववासी सब आए, कल इसको रखूंगा। पूरी प्रजा को जनाने का कोशिश किए हैं, जाना कौन, जानने का प्रयास कौन किया? सब तो दुर्भावित थे, सब तो जो जिसमें था उतना ही में था, मशगूल था। उस समय जब राम जी थे तब किसी को नहीं भाए। अरे वाल्मीकि को देखिए ना, राम जी कहे कि हमको कुछ दिन यहाँ रहना है, राम जी कहे कि हमको कुछ दिन यहाँ रहना है। भाग्य मनाना चाहिए वाल्मीकि को कि परम प्रभु जो है हमारे कुटिया में रहने को कह रहा है, नहीं मनाना चाहिए भाग्य। ये भी नहीं था कि पहचान न रहे हो। अब लगे लेक्चर झाड़ने भाई, योग साधना वाला, आप फला के हृदय में रहिए, आप फला के हृदय में रहिए, पूजा पाठ वाले के हृदय में रहिए, कीर्तन वाले के हृदय में रहिए, आपके नाम पर समर्पित है उसके, लगे अपना लेक्चर झाड़ने। वाल्मीकि जी कौन लेक्चर, योगी और कर्मकांडी वाला वैचारिक लेक्चर झाड़ने लगे। राम जी ने इशारा किया कि वो नहीं वो नहीं, हम लोग ठहरना चाहते हैं, हम लोग स्पष्ट किए कि हम लोग ठहरना चाहते हैं शरीर के तरफ। तब वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि प्रभु अरे ये तो कुटिया है, कोई व्यवस्था तो है नहीं, ये टूटी फूटी कुटिया है, आप ही की तो है, ये तो भाग्य है कुटिया की, ये बोली नहीं निकल रही है। बनने वाली भगवत्ता छिन जाती ना, अपने शिष्यों में जो भगवान बने हुए थे, कह रहे कि चित्रकूट पर बड़ा अच्छा स्थान है, ओ अनुसुईया आश्रम और बहुत अच्छा माहौल है, ये जब अच्छा ही था तो अपने क्यों नहीं बसे थे वहां, आपको कौन मना कर दिया था कि यहाँ बस जाओ जंगल में, अपने भी वही उसी अच्छा में बस जाना चाहिए था। तो वो इनके लिए अच्छा नहीं था, राम जी के लिए अच्छा था, राह पकड़ा रहे हैं राम जी के लिए। ऐसा भी नहीं कि न पहचानते हो, पहचान भी रहे। जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चामनी हारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। हे राम, अरे सोई जानत जे देऊ जनाई, आ जानत तुम्हें हो जाई, तुम्हारे ही कृपा तुम्हें रघुनंदन, तुम्हारे ही कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। ये तो सब जान ही रहे फिर भी राह दिखा दिए चित्रकूट। जब राम जी थे तो हटो रामा, हटो रामा, रामा रामा हटो हटो, अयोध्या से हटो, वाल्मीकि आश्रम से हटो, चित्रकूट देखो। आज जब राम जी भगवान जी अपना काम करके चले गए, जब प्रचारित हुआ
वाल्मीकि ने रामायण लिख करके जब समाज में प्रस्तुत कर दिया, अरे राम वही विष्णु थे, ये राम विष्णु थे, विष्णु, अरे वो हम लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं, अब हरे राम 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 हरे हरे, जब थे तो हटो राम 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 हटो हटो, आज जब चले गए तो हरे राम 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 हरे हरे, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, अब रघुपति के चरण की पूजा कब होने लगा, द्वापर में, त्रेता में नहीं, जब रहे तब नहीं, मार ले गया केवट, मार ले गया कौवा, काकभुसुंडी हो गया, महेश का गुरु हो गया, मार ले गया गिद्ध, जटायु, सभी ऋषियों का सिरमौर विष्णु पार्षद हो गया, मार ले गई सवरी, अपनी दादी के नाम पता नहीं है, नानी के नाम पता नहीं है, तीन युग बाद सेवरी का नाम रट रहे, कौन सेवरी, अधम ते अधम अधम अति नारी, उस बेचारी सेवरी का नाम रटने में लगे हैं, दादी के नाम गोल, दादी के नाम गोल, दादा के नाम गोल, पौत्र के पौत्र होते होते दादा का विनाश हो गया, नाम रूप नहीं रह गया, निशाने नहीं रह गया, आपका भी पोत्र का पोत्र आते आते आपका भी नाम निशान गोल विनाश, लेकिन उस गिद्ध कौवा का नाम रट रहे हैं, काकभुसुंडी, जटायु, वो बानर को देख लीजिए, बानर को, वो बनरा मार ले गया, बनरा मार ले गया, बनरा संकट मोचन बाल बजरंग बलि बोन करके, देखिए सारे मंदिर में छाया हुआ है, सारे मंदिर में राम जी से अधिक मंदिर हनुमान जी का मिलेगा, जब प्रधानमंत्री थे ना अपने राजा के साथ चोर के तरह से ऋषि मुख के पहाड़ में छिपे थे, आज जब दास हो गए राम जी के, सोने की नगरी लंका को फूंक दिया, संकट मोचन बजरंग बली महावीर जी कहलाने लगे, मार ले गए सब गिद्ध कौवा बानर भाल सेवरी, ताकते रह गए लोग जगह जगह पर, गुरु जी लोग ऋषि महर्षि जी लोग, भगवान के भक्तों में नाम त्रेता में किसका आएगा, जरा सा आप लोग अपने से पूछिए तो, कितने गुरु जी लोग या ऋषि जी लोग या महर्षि ब्रह्मर्षि जी लोग भगवान के भक्त में आ जाएंगे, अरे राम जी नहीं गए होते ना तो शायद भारद्वाज जी को भी कोई जानता कि नहीं जानता इलाहाबाद में, राम जी नहीं गए, राम जी के सटे नहीं होते ना तो वाल्मीकि को भी कोई जानता कि नहीं जानता, जरा देख सोच लीजिए आप लोग, द्वापर करी कृष्ण, तब कृष्ण जी साक्षात पड़े, वही विष्णु वाला वही राम जी वाला साक्षात कृष्ण पड़े हुए हैं, कौन नहीं पूछता है, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, सब रघुपति पद पूजा करने में लगे थे, सब रघुपति पद पूजा में करने में लगे थे, साक्षात कृष्ण पड़े हुए, महादेव जी एक बार क्या कह रहे हैं, ये भी नहीं है कि ऋषि महर्षियों को न जनाए समझाए, महाभारत खत्म हो गया था तो सारे मरीच याद सारे ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि उनके सभा में आए थे, सारे ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि उनकी सभा में आए थे, सत्संग सुने आ धन्य 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 कह करके आप फिर उसी तरह से लौट गए, जब लौट गए तो वासुदेव जी नारद से क्या कह रहे हैं, अरे वासुदेव, अरे भैया किसी महात्मा को बताओ ना, हमको यज्ञ करना है, किसी महात्मा को बताओ ना यज्ञ करना है, यदि वासुदेव जी नहीं होते ना तो भरपूर समझाते नारद, ये तो मर्यादित था कि भगवान कृष्ण के पिताजी थे, कहे कि वाह गजब के भाव हैं, गोद में तो महात्माओं के महात्मा को लेकर गोद में बैठा बैठा पुत्र कह करके खिला रहे हैं, महात्माओं के महात्मा को गोद में पुत्र कह करके खिला रहे हैं, आप महात्मा खोज रहे हैं, धन्य मति आपकी,
वासुदेव जी, अरे उसी को जानने का कोशिश कीजिए ना, उसी को जिसको बेटा कह करके पुत्र कह करके गोद में खिलाने में लगे हैं, अरे एक बार उसी को जानने का कोशिश कीजिए ना, सब महात्मा लोग समझ में आ जाए। तब वासुदेव जी की आंख खुली और कृष्ण को जानने का प्रयास किए। कौन पहचानता है भगवान को, भगवान के पास तब जाकर के जब देखे कि रे सतयुग में जब विष्णु जी आए स्वीकारे नहीं किए सब, आज चले गए तो त्रेता में विष्णु विष्णु, त्रेता में जब राम जी आए तो विष्णु विष्णु, राम जी को स्वीकारे नहीं किए सब, विष्णु विष्णु करने में लगे थे, आज द्वापर में जब हम आए तो हमको इतना ध्यान ज्ञान बताने में लगे हैं, लीला भी किए बाल लीला, सब ध्यान ज्ञान देने में भी लगे हैं, हमको कौन स्वीकार नहीं कर रहा है, आई राम के पद पूजा में लगे हैं सब, अरे सब भूत हैं भूत, जो बीत जाएगा ना उसी को स्वीकार करेंगे, जो रहेगा उसको नहीं, जो भूत है सब भूत, जो बीत जाएगा ना बस उसे स्वीकार करने लगेंगे, जब तक है तब तक नहीं स्वीकार करेंगे, जबकि लाभ वर्तमान से मिलना है, भूत कौन लाभ देने आएगा, सारा लाभ तो वर्तमान से मिलेगा, वर्तमान से भूत लाभ देने थोड़े आएगा। तब कृष्ण जी क्या कहने लगे, ये सब भूत है सब भूत, भूत है सब भूत, जहां कहाना शुरू हुआ तो भूत भूत। अब कृष्ण जी का ज्ञान वाला उपदेश जो है कल आप बंधुजन के सामने, यदि राम जी का कल हुआ तो कृष्ण जी का ऐसा है कि कल दोनों टाइम दिन में एक का दिन में एक को शाम को रखेंगे। कृष्ण जी ज्ञान में क्या मिलता है कैसा होता है, राम जी क्या उपदेश दे रहे हैं प्रजाजनों को, ये दोनों एक दिन में और एक रात में दोनों पूरा करेंगे। आप परसों से ज्ञान का जो वास्तविक क्लास है, वास्तव में ज्ञान क्या है, ये क्लास परसों से शुरू होगा, परसों से शुरू होगा। हमारा जो ज्ञान है ये परसों से शुरू होगा। कल थोड़ा कृष्ण जी के ज्ञान के विषय में गीता वाला क्या किस तरह का ज्ञान था, ज्ञान क्या होता है, गीता में वो ज्ञान कैसा है, कल कृष्ण जी वाला ज्ञान दिन में और शाम को राम जी वाला ज्ञान, राम जी वाला उपदेश कल पूरा करेंगे। आ तब परसों से जो है परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म वाला जो वास्तव में ज्ञान है सृष्टि वाला ब्रह्मांड वाला वो सुनाना शुरू करेंगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। एक बात गौर करें आप, नहीं एक बात गौर करें, भूत से निसंदेह हम संत महात्मों को ऋषि महर्षियों को कुछ कहते हैं, आली मौलिया प्रॉफेट पैगंबर को कहते हैं, लेकिन सोचिए तो सही, जिसको जीव रूह भी दिखाने का कोई अधिकार नहीं था, केवल संदेश देना था और यकीन भरोसा करा करके गाड़ी आगे बढ़ाना था, उसकी बातों पर तो आप सब खूब दृढ़ हैं स्थिर हैं। जो इस तरह से आपको वर्तमान में जीव रूह सेल्फ भी दिखाने को कह रहा है, जो आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट भी दिखाने को कह रहा है, जो परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गार्ड भगवान को भी दिखाने को कह रहा है, और केवल कह नहीं रहा है 25.5 वर्ष से लगभग दिखाते चला आ रहा है। परम प्रभु की है वाणी, परम प्रभु जल्दी ही सतयुग आएगा सतपुरुषों।